नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। औरैया जिले के थाना एरवाकटा के क्षेत्र में नगला पहाड़ी रंजिशन दो गुटों में जबरदस्त फायरिंग क्षेत्र में फायरिंग होने से गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद किए। एरवाटकरा क्षेत्र के ग्राम नगला पहाड़ी में घटित हुई गोली चलने से गांव में दहशत और भय का माहौल उत्पन्न हो गया। जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वही घायल विनोद सिंह को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फिर रेफर किया गया। वही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह कहाँ के निवासी हो? नगला पहाड़ी। नगला पहाड़ी में आज जो विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? पूरा मतलब है कि मेरे भाई पुराने घर से, क्या नाम है भाई का? भाई का नाम है विनोद सिंह। क्या हुआ? और पुराने घर से अपने मकान जा रहे थे, तब तक सौरभ, सुरेश, सत्यपाल, ब्रह्मपाल, सनौ, छोटे सिंह, गौरव, छोटू, मोनू, हरचरण, इनने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसमें इनको गोली लगी है। फायरिंग किससे की? क्या उनसे कोई ना देसी, वो देसी देसी थी राइफल है, राइफल थी देसी। हाँ, वो देसी थे, कट्टा इतनी इतनी बड़ी थी। तो उनके हाथ में चोट आई। शाहगंज थाना में तैनात कांस्टेबल रवीश चक्रवर्ती की 3 दिन का आकस्मिक अवकाश पर अपने गृह जनपद बाराबंकी जाते समय अयोध्या के ग्राम राजेपुर चौकी पूरा बाजार थाना महाराजगंज अंतर्गत सड़क दुर्घटना हो जाने के कारण गंभीर चोटें आई। कांस्टेबल को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय अयोध्या में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहगंज थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को सूचित कर मामले की जानकारी दी है। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है कि मृतक कांस्टेबल के परिजनों को उचित माध्यम से सूचना दी गई है, जो अयोध्या जनपद पहुँच चुके हैं। स्थानीय थाना से उप निरीक्षक मनशाराम, कांस्टेबल सुरेंद्र वर्मा व कांस्टेबल आशीष यादव आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। कांस्टेबल रविश कुमार के निधन से तहसील क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविश चक्रवर्ती एक ईमानदार, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का बखूबी से निर्वाहन करने वाले, कर्तव्य पालन में निष्ठा रखने वाले, विनम्र व सुहृदय व्यक्तित्व थे। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर शाहगंज से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।